अविनाश सर, तिलक नगर इंडस्ट्री आपके रडार पे होता है? बेसिकली देखिए एलेक्स, अभी हाल ही में इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, बहुत ही दमदार नंबर इन्होंने डिक्लेयर किए, और मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, कामकाजी मुनाफा भी काफी बड़ा है। इनफैक्ट अभी कंपनी ने हाल ही में कहा है कि वो और अपना कर्जा कम करना चाहती है, थोड़ा सा इक्विटी का एक प्रेफरेंशियल ऑफर लेके वो करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली अभी टेलविंड्स पॉजिटिव है, टर्न अराउंड स्टोरी है, और मेरे ख्याल से 70-77 का जो रेट चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर किसको एक्युमुलेट करना है तो साल भर का नजरिया कोई रखता है तो अच्छे खासे अपसाइड मिलेगी, क्योंकि देखिए ये कंपनी के पास ब्रांड अच्छे हैं। इनफैक्ट ब्रांडी में फिर दूसरे कैटेगरी जो अल्कोहल के में काम करते हैं, इसमें काफी अच्छी ब्रांड है इनके पास। इनके पास दिक्कत यही थी कि इनके पास बेसिकली कर्जा काफी था जो उन्होंने काफी कम कर दिया है, और अभी तो रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ सभी कुछ फर्स्ट क्वार्टर FY23 में काफी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, और इवन करंट लेवल्स भी अगर 70-72 में मिलता है तो थोड़ा सा एक्युमुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय तिलक नगर इंडस्ट्रीज।